हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। दिस इज योर फ्रेंड श्वेता। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बुक का योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बाय अनुज धर। अगेन, हमेशा की तरह मेरी फेवरेट चॉइसेस में वेल रिसर्च बुक होती हैं, तो ये भी एक वेल रिसर्च्ड बुक है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो आपके सारे सवालों का जवाब देती है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ से रिलेटेड। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। ताशकंद एग्रीमेंट के लिए 1966 10 जनवरी को जो ताशकंद एग्रीमेंट होता है उसके लिए वो रशिया जाते हैं, जिसकी वार्ता रशिया ने ही इनिशिएट करवाई थी। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं, 10 डेज लगते हैं एग्रीमेंट साइन करने में, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के कुछ घंटों के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत ही सस्पिशियस हालात में डेथ हो जाती है। इसको नॉर्मल हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल हार्ट अटैक नहीं था। क्यों? इसके भी इसमें रीजंस दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बॉडी भारत में आती है, जो कि कुछ ही घंटों के अंदर आती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जिसमें ना बॉडी ख़राब होती है, एक दिन के अंदर कोई भी डेड बॉडी ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, ना ही वो फूलती है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की बॉडी पूरी तरह फूली हुई थी, ब्लू ब्लैकिश थी, उनके पेट पे कट का निशान था और उनकी गर्दन के पीछे भी एक होल था जिसमें से ब्लड आ रहा था, जिससे उनकी पूरी टोपी रेड हो गई होती है, ब्लड से पूरी भीग गई होती है। अब शक कहाँ खड़ा होता है? शक तब खड़ा होता है जब उनके ही परिवार वालों को बॉडी के पास आने नहीं दिया जाता, उसकी पोस्टमार्टम होने नहीं दिया जाता। क्यों? तो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन सॉइल में उनकी डेथ होती है, फिर भी इतना लाइट क्यों लिया गया? तो ये बुक आपके उन सवालों का जवाब देती है। प्लस इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन दिए गए हैं, एक्सपर्ट्स के, डॉक्टर्स के, जो अपना बताते हैं कि क्या रीज़न हो गया कि बॉडी ब्लू ब्लैक हो गई। तो ये तो सिंपल था कि पॉइजन था, लेकिन तो फिर उसको गवर्नमेंट मानने से क्यों इनकार कर रही है? उनकी डेथ के पीछे किसका हाथ था? KGB का, CIA का या किसी इंसाइडर का? उनके इंदिरा गांधी के साथ इश्यूज थे शास्त्री जी के, उसको भी हाईलाइट किया गया है। इनफैक्ट सबसे बड़ा इसमें हाईलाइटिंग पॉइंट ये भी आता है कि जो KGB के डायरेक्टर जब रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने मेंशन किया, बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक टाइम था जब इंडिया में इंडिया KGB और CIA का हब हुआ करता था और बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस उसके पेरोल पे हुआ करते थे। और उनमें कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस का भी नाम है जिनको मैं लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती, तो बेटर है कि आप इसको खुद पढ़ें। और ये बुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि कई हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं पता है, जो हमें जाननी चाहिए। और इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अनुज धर जी का। इनकी मैंने पहले भी एक बुक पढ़ी थी कोनंड्रम, जो अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकल पाई है क्योंकि वो इतनी एंगेजिंग बुक थी। उसी की तरह ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है। इसको मैंने ऑर्डर किया था 30 जनवरी को। मेरी आदत है लिखने की आगे कि मैंने किस दिन ऑर्डर किया था, तो 30 जनवरी को ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे 2-3 डेज में मैंने ये बुक ख़त्म कर दी थी। हाँ, रिव्यू मैं लेट डाल रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। और लेकिन आपको ये पढ़नी चाहिए बुक। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और ये आपकी सारी क्वेश्चंस का जवाब देती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ अगर मर्डर था तो क्यों कराया गया? क्या लाल बहादुर शास्त्री के रहते देश में KGB और CIA इतना ज़्यादा घुस सकते थे? क्या पाकिस्तान या चाइना इतनी मनमानी कर सकते थे? वो किस तरह के लीडर थे? पहले तो उनकी बॉडी, उनकी सबको देखकर लगा कि वो इतने पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन जब वो आए, उन्होंने अपनी पद ग्रहण किया, तो देश में बहुत सारे बदलाव आए। उसको देखकर एक उज्जवल भविष्य सा लगने लगा था हमारे देश का। क्या था, क्या रीजंस थे, ये सब इसमें मेंशन किया है। ये आपकी क्यूरियोसिटी को बना के रखेगी बुक, और मैं रिकमेंड करूँगी आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बुक का रिव्यू करूँ आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।